विधायक निर्वाचन प्रस्ताव को मंजूरी। केंद्र कैबिनेट बैठक में बड़ निष्पत्ति। संसद आगामी शीत अधिवेशन आसिबो बिल। एकक निर्वाचन नहीं रामनाथ कोविंद कमिटर प्रस्ताव। समर्थन करथिले 32 राजनैतिक दल, 15 दल विरोधी और 15 दल रही निरुत्तर। गोटे देश गोटे निर्वाचन संकल्प पूरा करने को मोदी देते आह्वान। वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है और इसमें पीठासीन अधिकारी काफी मार्गदर्शन कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। इसके साथ ही लोकसभा हो, विधानसभा हो या पंचायत चुनाव हो, इनके लिए एक ही वोटर लिस्ट काम में आए, इसके लिए हमें सबसे पहले रास्ता बनाना होगा। आज हर एक के लिए अलग अलग वोटर लिस्ट है, हम क्यों खर्चा कर रहे हैं, समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। खूब शीघ्र देश में बदलने को जाऊँगी निर्वाचन बुनियादी ढांचा। पूर्वतन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अध्यक्षता में गठित कमिटर प्रस्ताव को आईन में परिणत करने को आगक बढ़िले मोदी सरकार। प्रस्ताव को केन्द्र कैबिनेट मंजूरी मिली। संसद आगामी शीत अधिवेशन में एकक निर्वाचन नहीं बिल आने को लक्ष्य रखिंट मोदी सरकार। पूर्व वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव पर रामनाथ कोविंद कमिटी पक्षर निया 62 राजनैतिक दल मतामत। प्रस्ताव को 32 राजनैतिक दल समर्थन करथिबा बेले 15 दल विरोध करथिले एवं 15 राजनैतिक दल प्रस्ताव को नै कोनोसी उत्तर रखि नांति। आवर गवर्नमेंट बिलीव्स इन क्रिएटिंग अ कंसेंसस ऑन आइटम्स व्हिच अफेक्ट आवर डेमोक्रेसी आवर नेशन इन द लॉन्ग रन एंड दिस इज अ सब्जेक्ट दिस इज अ टॉपिक व्हिच रियली विल स्ट्रेंथन आवर डेमोक्रेसी विल स्ट्रेंथन द सेंट्रल स्टेट रिलेशंस will make sure that our country grows at a much faster pace, will remove so many impediments which come in the growth of our country. चलित वर्ष मार्च 14 रे राष्ट्रपति को 18,000 पृष्ठार रिपोर्ट हस्तांतर करथला एकक निर्वाचन कमिटी। मोदी 1.0 समय रु देश रे एकक निर्वाचन को ने मंथन आरंभ करथले सरकार, जहां एबे चुडांत रूप नेबा को जाउची। या फले निर्वाचन कमिशन उपरे चाप कमिबा स आर्थिक व्यय भी कमिबो। प्रस्ताव को देशवासी स्वागत करथवा बले भारत पर विशाल देश रे एपरी आईन अवास्तव बोली कहिछे कांग्रेस। ये देश के विकास के लिए जरूरी है वन नेशन वन इलेक्शन। देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए जरूरी है, क्योंकि 2-3 महीने सारे फोर्स वहां लग जाते हैं। ये देश के प्रगति के लिए जरूरी है। और 1967 के पहले तो खड़गे बताएं ना, राहुल बताएं कि एक देश एक इलेक्शन होता था कि नहीं होता था, उसमें कौन सा नुकसान था, क्यों नहीं नेहरू उस समय इसको रोक दिया था। तो जब एक नेशन एक इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन, ये पॉलिसी दी बेस्ट पॉलिसी है। ऐसा है कि यूनियन कैबिनेट ऐसे बहुत से प्रपोजल्स पास करती है जिस पर उनको यू टर्न लेना पड़ता है। वन नेशन वन इलेक्शन कुछ नहीं, एक शगुफा है असल मुद्दों से भटकाने का। आप बेरोजगारी की बात मत करिए, आप जो उनकी नफरत और हिंसा की बातें हमारे नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ कह रहे हैं उन पर बातें मत करिए। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन का ढोल बजाया जा रहा है। आप कैसे करिएगा वन नेशन वन इलेक्शन? क्या आप राज्य सरकारों को गिरा दीजिएगा? क्या आप असेंबलीज भंग कर दीजिएगा? किस तरह से कीजिएगा आप वन नेशन वन इलेक्शन? ये सारे शगुफे हैं आपका ध्यान भटकाने के लिए। आपका ध्यान भटक सकता है, हमारा नहीं भटकेगा। प्रस्ताव अनुसार सारा देश में एका संगर हेबो लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन। एमपी एमएलए निर्वाचन 100 दिन मध्य हेबो पंचायत नगरपालिका भली लोकल बॉडी इलेक्शन। देश में समस्त निर्वाचन पर व्यवहार हेबो एकक वोटर परिचय पत्र। पूर्व 1999 रे ल कमिशन 170 रिपोर्ट रे प्रति 5 वर्ष अंतरे देश रे एकक निर्वाचन पे सरकार को प्रस्ताव देथिले। 2015 रे संसदीय कमिटी 79 रिपोर्ट रे भी देश रे दुईटी पर्याय रे सब निर्वाचन करबा को प्रस्ताव रखिथिला। एकक निर्वाचन को ने मोदी सरकार पूर्वतन राष्ट्रपति कोविंद क अध्यक्षता रे गठन करते उच्चस्तरीय कमिटी 2020 संविधान दिवस संबोधन रे पीएम मोदी गोटी देश गोटी निर्वाचन संकल्प पूर्ण करबा को आह्वान देथिले। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।